दोस्तों, क्या आप भी इन्फिनिक्स 11S या फिर Redmi 10 Prime लेने का सोच रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न है दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग दोनों का कंपेयर करने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस को वन बाय वन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के कॉन्टेंट आपको रेगुलर मिलते रहता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम लोग का Redmi 10 Prime दोस्तों, और एक साइड इन्फिनिक्स 11S। थिकनेस की बात करें तो आपको दोस्तों इन्फिनिक्स 11 थोड़ा सा थिक मिलने वाला है, और वेट की बात करें तो आपको Redmi 10 Prime थोड़ा सा वेट कम है, लगभग 10 ग्राम का अंतर आता है। अब बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, आपको Redmi 10 Prime में 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। IPS LCD डिस्प्ले रहेगा, विद पंच होल रहने वाला है। रिफ्रेश रेट आपको 90Hz का देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स 11S के डिस्प्ले के बारे में। तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है। IPS LCD पंच होल रहने वाला है, और साथ ही रिफ्रेश रेट इसमें आपको 90Hz का देखने को मिल जाएगा। नेग डायनोरेक्स का ग्लास प्रोटेक्शन देखने को इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टक्कर को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही हम लोग बात करते हैं दोनों फ़ोन के चिपसेट के बारे में। तो दोनों फ़ोन में आपको MediaTek Helio Z88 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, साथ ही फैब्रिकेशन 12nm का मिलता है, और आर्किटेक्चर इसमें आपको 64-bit का देखने को मिल जाएगा। दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 2GHz का कॉर्टेक्स A75 का 2 कोर, और 6 कोर मिलता है आपको 1.8GHz का कॉर्टेक्स A55, यानी कि दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो CPU में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बारी आती है दोस्तों दोनों फ़ोन की ग्राफिक्स के बारे में। तो पहला फ़ोन हम लोग का Redmi 10 Prime है, तो इसका ग्राफिक्स देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको Mali G57 MC2 डुअल कोर ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें ज़बरदस्त रहने वाला है। बात करते हैं Infinix 11S की, तो इसमें आपको Mali G52 MC2 का डुअल कोर ग्राफिक्स मिलता है, इसमें भी गेमिंग ज़बरदस्ती रहने वाला है। थोड़ा सा इसमें आपको वीक मिलने वाला है, यानी कि इसमें विनर रहता है Redmi 10 Prime। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब Redmi 10 Prime के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इसमें आपको 4GB और 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, और स्टोरेज में आपको 64GB और 128GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं साथ ही Infinix के 11S के बारे में। तो इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम लोग कैमरा फीचर्स के बारे में। Redmi 10 Prime में दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, साथ ही 2MP का डेप्थ और 2MP का माइक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। 8MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब Infinix 11S के बारे में। तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें भी आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलने वाला है। सेल्फी भी दोनों का बराबर है दोस्तों, यानी कि इसमें भी 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, और डुअल फ्लैश इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा आगे इससे रहता है। 30fps और 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देने वाला है, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग में जीतता है, लेकिन इसमें डुअल कैमरा सेटअप ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के बैटरी फीचर्स के बारे में। 6mAh की बैटरी मिलती है, 18W की फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलती है, USB टाइप सी मिलता है, साथ ही रिवर्स चार्जिंग की फीचर्स भी देखने को Redmi 10 Prime में दोस्तों आपको मिल जाएगा। Infinix 11S की बात करें तो इसमें आपको 5mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्ज, USB टाइप सी मिलता है, साथ ही रिवर्स चार्ज सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि बैटरी के मामले में Redmi 10 Prime इसमें विनर रहता है। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं सेंसर फीचर्स के बारे में। तो आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा Redmi 10 Prime में दोस्तों। साथ ही अदर सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास जैसा सेंसर देखने को मिल जाएगा। Infinix में भी सेम रहने वाला है दोस्तों, सिर्फ इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, अदर सेंसर की बात करें तो दोनों में सेम रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलने वाला है। कस्टम UI में MIUI 12.5 Redmi 10 Prime में देखने को मिलेगा। Infinix 11S में आपको दोस्तों कस्टम UI में XOS 7.6 मिलने वाला है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि दोनों फ़ोन में बेहतरीन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में। तो दोनों में आपको डुअल 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, नैनो प्लस नैनो सिम कार्ड रहने वाला है, साथ ही SD कार्ड का अलग से सपोर्ट मिलने वाला है, साथ ही ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलने वाला है, वाईफाई मिलने वाला है दोस्तों, हॉटस्पॉट मिल जाएगा, GPS मिल जाएगा, ग्लोनास मिल जाएगा, और इसमें आपको लाउड स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, साथ ही 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा दोनों फ़ोन में।
सारा फीचर्स हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। साथ ही अब हम लोग प्राइस भी देख लेते हैं। Redmi 10 Prime आपको दो वेरियंट में मिलता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल का आपको 12,499 रुपये पड़ने वाला है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल का दोस्तों आपको 14,499 रुपये पड़ने वाला है। Infinix 11S का दोस्तों आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, 4GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ ही आता है ये फ़ोन और इसका दोस्तों आपको 10,999 रुपये पड़ने वाला है। दोनों फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, अगर आपको दोनों में से कोई एक लेना हो तो आप Redmi 10 Prime के साथ जा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप Infinix 11S के साथ जा सकते हैं। इन दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं।